मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से भारतीय जैन महासंघ आगामी वर्ष फरवरी महीने में तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की निशुल्क यात्रा कराने जा रही है। भारतीय जैन महासंघ विगत 16 वर्षों से श्रद्धालुओं को निरंतर जैन धर्म के शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की वंदना कराती आ रही है। इस बार पुनः महासंघ वर्ष 2024 फरवरी महीने में निःशुल्क यात्रा कराएगा, जिसके बारे में राष्ट्रीय महामंत्री अखिलेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया। भारतीय जैन महासंघ विगत 16 वर्ष पुरानी संस्था है। ये सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में अग्रणी संस्थाओं में से एक है। भारतीय जैन महासंघ विगत 16 वर्षों से समय शिखर जी की निःशुल्क यात्रा कराता आ रहा है, जिसमें हम जैन साधर्मी ऐसे साधर्मी जो शिखर जी की यात्रा नहीं कर पाते, हम उन व्यक्तियों को समय शिखर जी की निःशुल्क यात्रा करवाते हैं। अगर किसी साधर्मी को किसी वस्त्र की आर्थिक सहायता की रहन सहन की कोई आवश्यकता पड़ती है तो ये भारतीय जैन महासंघ उपलब्ध करवाती है। भारतीय जैन महासंघ द्वारा विगत वर्षों से श्री समेत शिखर जी की यात्रा कराने को लेकर मुनिश्री ने प्रशंसा की, साथ ही तीर्थ वंदना के साथ पूजा विधान अवश्य कराना चाहिए। तो अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का एक आधार है, तीर्थ वंदना भी प्रभु आराधना का एक अंग है और समेत शिखर जैसे क्षेत्र की वंदना तो और विशिष्ट है। तीर्थों की वंदना के साथ पूजा विधान आराधन जरूर करना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग पिछले अनेक वर्षों से भारतीय जैन महासंघ यहाँ समेत शिखर की यात्रा कराता आ रहा है। इस बार भी आया और हर बार विधान जरूर है। हाँ जी, ये विधान हमेशा होना चाहिए। तीर्थ क्षेत्रों में हमें संयम साधना का जितना बने पालन करना चाहिए और दिनों की जगह हमें तीर्थ यात्राओं के समय विशेष संयम और विशुद्धि का ख्याल रखना चाहिए। जब कभी भी किसी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करो। शिखर जी की वंदना को लेकर महासंघ अति उत्साहित है, सभी यात्रा को सफल बनाने में जुटे हैं। जैन फोकस के लिए श्री समेत शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।